हेलो दोस्तों, मैं फाजिल नकवी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी की। जी हाँ, वो महात्मा गांधी जिन्होंने भारत को 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलवाई थी, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है। आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, यानी 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि आज ही के दिन एक विचार का या एक विचारधारा का जन्म हुआ था, और इसी विचार ने इस देश को आज़ादी दिलाई। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो ब्रिटिश हुकूमत में राजकोट और पोरबंदर के दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। शुरुआती तालीम गांधी जी ने पोरबंदर से ही हासिल की। इसके बाद पिता के ट्रांसफ़र हो जाने के कारण बची हुई तालीम राजकोट से हासिल की। 19 साल की उम्र में गांधी जी 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। यहाँ पर गांधी जी ने कानून की पढ़ाई की, और 3 साल बाद पढ़ाई पूरी करने के बाद 1891 में भारत वापस लौटे। गांधी जी का विवाह सिर्फ 13 साल की उम्र में 1883 को कस्तूरबा जी से हुआ था। कस्तूरबा जी पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। गांधी जी ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। साल 1885 में गांधी जी की पहली संतान ने जन्म लिया, मगर कुछ समय में ही गांधी जी की संतान का निधन हो गया। गांधी जी के कुल 4 बेटे थे, हरिलाल गांधी, रामदास गांधी, मनीलाल गांधी, देवदास गांधी। भारत वापस आने के बाद गांधी जी को नौकरी के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। फिर एक भारतीय कंपनी में उनकी नौकरी लगी, मगर इसके लिए भी उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ भी गांधी जी ने बहुत ही मुश्किलों का सामना किया, क्योंकि वहाँ गांधी जी को भेदभाव झेलना पड़ा, और वहीं से गांधी जी ने लड़ना सीखा। और वहाँ रह रहे भारतीयों के लिए गांधी जी 20 सालों तक लड़ते रहे। इसी बीच गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने अफ्रीका में खुद की एक अलग पहचान बनाई, वो वहाँ पर लड़ते रहे। फिर गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने गांधी जी से कहा कि वो भारत आए और भारत को आज़ाद कराने के लिए लोगों की मदद करें। उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए उनसे आग्रह किया। गांधी जी 1915 में भारत वापस लौटे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की, और देश की आज़ादी में जुट गए। उन्होंने भारत के लोगों को धर्म जाति से ऊपर उठकर देश को आज़ाद कराने की बात की। उन्होंने भारतवासियों को एकजुट किया, और 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसके बाद से अंग्रेजी सामान उपयोग करना भारतवासियों ने बंद कर दिया। यह आंदोलन सफल साबित हुआ और गांधी जी को 2 साल के लिए जेल भेज दिया। लोगों में आक्रोश पैदा हुआ। इसके बाद मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली, जिसमें 60,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी को कई बार जेल जाना पड़ा, मगर सभी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर कई बार जेल जाकर और हज़ारों लोगों की कुर्बानी के साथ सन 1947 को भारत आज़ाद हुआ। मगर आज़ादी के जश्न के साथ ही 30 जनवरी 1948 को अभी आज़ादी का जश्न लोग मना ही रहे थे। अभी देश में आज़ादी का जश्न चारों ओर गूंज रहा था। उसी बीच 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।
उस वक्त पूरे देश में शोक की लहर थी। फिर बाद में 15 नवंबर 1949 को गोडसे को भी फांसी दे दी गई और इस तरह से गांधी जी के प्रयासों से भारत देश आजाद हुआ। गांधी जी हों या गांधी जी के साथ जितने भी क्रांतिकारी हों और देश के हजारों लाखों लोग जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए एक बलिदान दिया, जिनके कारण आज हम भारत में खुली फिजा में सांस ले सकते हैं, आज़ादी से जी सकते हैं। धन्यवाद।